दूसरे वाले को भी सेफ रखे, क्योंकि परिवार आपका भी है और उसका भी परिवार है जो रोड में एक्सीडेंटल में मौत हो रही है। स्वागत है आप सभी का एक नए YouTube चैनल में, और मैं आपका अपना पंकज कुमार चौधरी, और आज मैं आपको लेकर आया हूँ कुवैत में हिस्ट्रिकल एक म्यूजियम में, जिसमें कार है, ठीक है, इनकी पुरानी से पुरानी सदियों की कार दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, व्लॉग का शुरू करते हैं। तो अभी मैंने म्यूज़ियम के अंदर एंट्री कर ली है, और एक वाइब जो आ रही है ना, पॉजिटिव वाइब आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव वाइब छेड़ो भाई। मैं तुम्हें अभी ये चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ऐसी ऐसी कार, ऐसी ऐसी बाइक दिखाऊंगा ना जो लाइफ में आपने देखी ही नहीं होगी, ठीक है, मैंने खुद ने नहीं देखी। सो कोई नहीं, सौभाग्य है अपना, एक छोटे से गाँव से निकल कर इतनी महंगी महंगी गाड़ियों का रिव्यू लेते हुए, शूट करते हुए, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से स्ट्रेट अप कुवैत, ठीक है। ये जर्मनी की है, मर्सिडीज बेंज जर्मन में बनी हुई, ठीक है, 1968 मॉडल है। पीस देख सकते हो आप, पीस देख रहे हो, पीस देख रहे हो, मर्सिडीज। देते हैं, ठीक है, ये देखो 8 सिलेंडर ऑटोमेटिक, टेन टेन देख सकते हो आप। माय गॉड भाई, बढ़िया चीज़ है। मैं ये सोच रहा हूँ 8 सिलेंडर का मे भी हमारे यहाँ ट्रक नहीं आता होगा, 6 सिलेंडर का, ठीक है, अभी 8 सिलेंडर की गाड़ी है, शायद यहाँ हो सकता है 12 सिलेंडर वाली भी दिखाऊँ, मैं आपको कोशिश करूँगा अगर मिली तो। देख रहे हो मर्सिडीज वर्सेस, चलिए अब दूसरी गाड़ी पे आते हैं। फरारी फरारी, ये फरारी है, ये देखो घोड़ा दिख रहा है आपको, घोड़ा वो भागता हुआ, ठीक है, फरारी। चलिए अब तीसरी कार पे दिखाता हूँ मैं आपको, राजा महाराजा से कम थोड़ी ना भाई, ये लोग देख लो। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इसको शूट करूँ, मेरा मन कर रहा है पहले मैं इसको देखूँ अच्छे से, फिर मैं उसके बाद देखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कार, नेक्स्ट कार देख रहे हो, ये देखो कितनी कितनी लेंथ ली है, देख रहे हो ये कितनी है, 1 2 2 2 2। इसका नेम नहीं लिखा, मुझे भी नहीं पता, मैंने कहा लाइफ में ऐसी ऐसी कार देखी नहीं ना, तो मुझे अच्छे से इसके बारे में कुछ पता नहीं है, नेम इसका मुझे अच्छे से पता नहीं है क्या नाम है, ठीक है, बट दिस इज सो प्रिटी, देख रहे हो ऐसा लग रहा है जहाज की तरह दूसरा जा रहा, ये देखो। सो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, शायद हो सको नेक्स्ट 883 में बनी है, ठीक है, 6 सिलेंडर है, ओके। ये कैसी लग रही है, इसकी लाइटें देख रहे हो कितनी भयंकर लाइट है, देखो कोशिश करता हूँ मैं कुछ दिखाने की, देखो लाइटें बहुत सेक्सी है यार, ये देखो। ये कुछ पहले ज़माने की गाड़ियाँ थी, बट आज आई स्वेयर जो इनको देखने के बाद फील आ रही है ना, वो कुछ अलग ही फील आ रही है, देखो ये देखो। चलो नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं, देखो बच्चों आँख बंद करो, ये होती है कुवैत की पावर। दिस इज जेम्स बॉन्ड, वो बनी थी ना मूवी डायवर एंथनी डे, ठीक है, उसमें ये कार यूज हुई थी, यकीन नहीं आता, आपको दिखाता हूँ, वो देख रहे हो वो वाला, वो देख रहे हो वो जहाँ पे कार वो है, जो ये कार है, ठीक है, ये इस मूवी में बनी थी, इन लोगों ने इसको इस म्यूजियम में ला के रख दिया, देख रहे हो ये है पावर, ये है पावर इसकी, ठीक है, उस मूवी में शूट हुआ था, जो उस मूवी में शूट हुआ था ना कार,
ठीक है, वो कार ये है और देख सकते हो भाई पावर है ये पावर। ठीक है तो फिर वो सब आ गया, वो मिल गया मुझे जो 12 सिलेंडर वाली कार दिखाना चाह रहा था ना मैं आपको, ये वो है टाइड्रिक की कार है ठीक है, 1961 मॉडल है और ये 12 सिलेंडर है, ये देख सकते हो आप वो ततर ततर ततर। और इसकी लैम मैं दिखाता हूँ आपको ये कितनी लंबी है, देखिए मुझे नहीं लगता कि ये मेरे घर में भी पार्क हो जाए इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा लोगों का यहाँ फ्लैट होगा मतलब दिल्ली जैसे शहर में आपने ठीक है, इतने इससे बड़े बड़े इससे छोटा फ्लैट होगा जितनी इसकी लेंथ है। 12 सिलेंडर है ये देखो ठीक है चलो। और ये देखो उन साहब की है ये, ठीक है 1961 में दिस वन 12 सिलेंडर ओके। चलो एक छोटा सा रिव्यूज का भी देख लेते हैं, ये कौन सी है, हार्ले डेविडसन 1948 मॉडल, क्या फिनिशिंग मैट और किस तरह से इसकी कैरिंग कर रखी है देख सकते हो आप भाई साहब। टायर देखो ना, टायर दो बुलेट के बराबर टायर है हमारे, हम इसको ज़्यादा टच नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते, ये देख रहे हो हम इस एरिया को भी टच नहीं कर सकते ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो इस म्यूजियम के अंदर सबसे फेमस चीज़ है ठीक है, एक सिलेंडर वाली कार यकीन नहीं आ रहा था ना, ये देखो खुद पढ़ लो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं इतना बोलूँगा ये देखो 1 सिलेंडर ओके, दिस इज द 1 सिलेंडर कार देख सकते हो आप इसको, ये इस म्यूजियम की ऑस्टन मार्टिन 2012 मॉडल है ठीक है, ये देखो ये वो गाड़ियां हैं, अगर एक बार इस मेरे ख्याल से ये भैया बता रहे हैं ये वो कार हैं ठीक है जिनका प्रयोग एक बार अगर आप इनकी चम्मच दबा दोगे ना, एक बार आप इनकी अगर चम्मच दबा दोगे तो आप छू की तरह भागोगे, छू की तरह इसमें लगभग ठीक है, सिंगल सिलेंडर है ठीक है और ये बेल्जियम में बनी थी ओके। चलो भाई अपने इंडिया वाले वो दिखाते हैं हम बुलेट, ये देखो है ना सेम वही इंजन का डिजाइन वगैरह ठीक है, सेम लग रही है ना बुलेट, इंडिया वाली बुलेट लग रही है, ये लोग हमारे इंडिया वाली, या मुझे लग रहा है ये देखो इसके बारे में कुछ इन्होंने पता है तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ये देखो 12 सिलेंडर है ठीक है, कौन सी है डबल आर ठीक है पैंथम ठीक है इंग्लैंड की ठीक है, ये देखो ये है 12 सिलेंडर वाली, ये देख रहे हो था ना आपको ठीक है, ये 12 सिलेंडर की है और ये वो कार है। अब सोचो हमारे यहाँ 6 सिलेंडर का ट्रक है ठीक है, अब ये 6 सिलेंडर की भी बाप है, ये 6 सिलेंडर की भी बाप है ठीक है ना, तो ट्रक का भी बाप 12 सिलेंडर में है ये कार ठीक है। और ये मोमेंट दिखाती है इस कार का ये वाला ठीक है, यहाँ के जो राजा थे ठीक है तब इस कार को लाए थे ठीक है, तब की ये यहाँ से इन्होंने म्यूजियम में हिस्टोरिकल म्यूजियम में अपने हिस्टोरिकल पॉइंट बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रख दिया ठीक है, ताकि नई टू नई जनरेशन आए और हिस्टोरिकल को देखे समझे ठीक है। उनके हालात को बताते हुए मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और गर्मियों में यहाँ बहुत ही ख़राब होता है ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सिग्नल हो गया कोई सिटी के अंदर ठीक है, सिग्नल हो गया राइट साइड से कार जा रही है, जेब्रा क्रॉसिंग है राइट साइड से कार जा रही है ठीक है, लेफ्ट से आ रही है ओके, दिस इज़ द सिग्नल पॉइंट जो हम चौक बोल देते हैं ठीक है, वहाँ से देख सकते हो राइट से गई
लेफ्ट से सीधा भी आई और इधर को चली गई, यानी कि ऐसे, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो, ये यहाँ से लेफ्ट से आई, ठीक है, यहाँ से जा सकती है। इन लोगों ने अपना मॉड्यूल सिस्टम इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनको पता चल जाएगा, ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम इस तरह से कर रखा है इन लोगों ने कि जैसे कार पे, ट्रैफिक पे, सबसे मेन चीज़ पता है, औसदा हमारे भारत में औसदा सबसे ज़्यादा मौतें जो होती है ना, वो औसदा मौतें जो होती हैं वो रोड एक्सीडेंटल पे होती है, गलत तरीके से गाड़ी चलाने की वजह से। तो यहाँ की कुवैत गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को अपने अपने कल्चर को और अपने सिस्टम को अपनी नई जनरेशन को सिखाने के लिए ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि हाउ टू ड्राइव, ठीक है, दिस इज़ राइट एंड ड्राइव। भाई इधर 12-12 सिलेंडर की कारें हैं, ठीक है, गोली की तरह शू हो जाती हैं, शू आप चिपक गए ना तो आपको खुरपाली से उतारना पड़ेगा, ये समझ लो। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, बेस्ट इज़ द बेस्ट, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस चीज़ को ले, ठीक है, इस तरह से ये लोग अपनी जनरेशन को समझा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी चलानी चाहिए, ठीक है। और शायद मेरी वीडियो देखने के बाद, ये वाला स्ट्रक्चर देखने के बाद, एलिवेशन टावर वगैरह पूरा उन्होंने एक मॉड्यूल बना रखा सिस्टी का, किस तरह से रोड में जाना आना, ट्रैवलिंग करना, रोड, जेब्रा क्रॉसिंग से सब कुछ दे रखा है, ठीक है, बता दिया। तो शायद मैं अपील भी करता हूँ, ठीक है, अपील करता हूँ, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद कोई ऐसा बंदा निकले कि इस मॉड्यूल सिस्टम को हम अपने भारत में भी ला सकें, ठीक है, क्योंकि यार, क्योंकि मैं अपनी बात बोलूँ, जब मैं छोटा था ना, ठीक है, मैं छोटा था, क्या किया आपने, मैंने क्या किया, हाँ, गुल्ली डंडा खेला, ठीक है, फलाना ढिमका ये किया बचपन में, ठीक है। और हम 25 साल के होने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि राइट का इंडिकेटर चलता कैसे है 25-26 की उम्र की माँ के, ठीक है, और यहाँ 12 छोड़ो, यहाँ 10-11 साल की उम्र में समझ जाएगा बच्चा, जिस तरह से इन्होंने मॉड्यूल सिस्टम दे रखा है। 10-12 साल में हमें 15 साल तक अपनी चड्डी धोनी नहीं आती थी, हमारे ही हालात थे, ठीक है। तो मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को फनी वे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ कि ठीक है, आने वाली जनरेशन एडवांस हो रही है, हम भी एडवांस हो रहे हैं, आने वाली को एडवांस करना है। तो औसदा जो मौतें होती है ना, औसदा जो दर मौतें जो होती है, वो इस वजह से होती है, रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो आप भी सेफ रहें, दूसरे वाले को भी सेफ रखें, क्योंकि परिवार आपका भी है और उसका भी परिवार है जो रोड में एक्सीडेंटल में मौत हो रही है, क्योंकि सब ही कोई ना कोई भाई बहन कहीं ना कहीं से परिवार का सदस्य सब अपना पेट पालने के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ मैं अपील करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ ये मॉड्यूल सिस्टम दिखा के कि हमारे इंडिया में भी ये मॉड्यूल सिस्टम लागू होना चाहिए, ठीक है। और वीडियो को बस मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और ठीक है, और उम्मीद है कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं जल्दी मिलूंगा और अच्छी सी वीडियो ला के दूंगा आपको, ठीक है। और प्लीज़ चैनल पर जो कोई भी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, विजिट कर रहा है सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, ठीक है, और उनको छोटी छोटी खुशियाँ बांटने की कोशिश करें, ठीक है।